कस्बे में सुरेश और हरी लाल नाम के दो आदमी रहा करते थे। वो दोनों पड़ोसी थे। उन दोनों का घर आमने सामने था। हरी लाल अपने पड़ोसी सुरेश से अधिक धनवान था। सुरेश जहाँ एक खेत का मालिक था, तो वहीं हरी लाल के पास बेहद सारे खेत थे। हरी लाल की पत्नी विमला और उसके 20 साल की बेटी रुक्मणी हरी लाल से बेहद खुश रहा करती थी। विमला, फटाफट मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। आज मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। आज सुबह सुबह आपको कौन सा जरूरी काम याद आ गया है जी, कि आप नाश्ता किए बगैर ही सिर्फ एक कप चाय पीकर यहाँ से जा रहे हैं? तुम तो जानती हो विमला कि आजकल खेतों में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमें इस साल 2 गुनी फसल उगानी है, इसलिए मुझे खुद खेतों में रहना पड़ रहा है। और कितनी मेहनत करेंगे आप, जरा अपने ऊपर भी तो ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिए जरा। अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे जी। विमला, मैं मेहनत अपने लिए नहीं बल्कि गांव के उन लोगों के लिए करता हूँ जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरस जाते हैं। मैं जानती हूँ जी कि आप अपने कमाए हुए धन का बेहद सारा हिस्सा जरूरतमंदों में दान कर देते हैं। अपने गांव की जुगिया चाचा की बेटी का 1 महीने के बाद शादी है। परसों जुगिया चाचा मेरे पास आए थे मदद मांगने के लिए। भला आपने कभी किसी की मदद करने से इनकार किया है क्या? यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मैं दूसरों की मदद कैसे कर पाऊँगा? इतना कहकर हरी लाल अपने घर से चला गया। कैसे हो जुगिया चाचा, सब कुछ ठीक ठाक तो है? मालिक की दुआ है हरी लाल। मुझे लगता है कि मुखिया जी से भी तुम अपनी बेटी की शादी की ही बात कर रहे होंगे। हरी लाल की बात सुनकर जोगिया चाचा थोड़े से सक पका गए। तुमने बिल्कुल सही कहा हरी लाल। जोगिया चाचा बता रहे थे कि इस वक्त उनके हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं और उनकी बेटी की शादी सर पर है। उनको कुछ मदद की जरूरत थी। गांव के मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उनकी मदद करूं। आप जोगिया चाचा की मदद कैसे करेंगे मुखिया जी? जाहिर सी बात है, गांव का हर एक आदमी अगर थोड़े थोड़े पैसे जुगिया चाचा को दे देगा तो उनकी बेटी की शादी अच्छी तरह से हो जाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है मुखिया चाचा, मैं जुगिया चाचा के बेटी के शादी में 5 लाख रुपयों का दान देने के लिए तैयार हूँ। हरी लाल की बात सुनकर मुखिया की आंखों में हरी लाल के प्रति प्रशंसा के भाव झलकने लगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी हरी लाल, तुमसे बड़ा दानी मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा। भला इतने पैसों की मदद कौन किसी की करता है? दरअसल मैं जुगिया चाचा को आपके पास खड़ा हुआ देखकर चौंक गया था, क्योंकि मैंने इनसे वादा कर लिया था कि मैं इनकी बेटी की शादी में इनकी मदद जरूर करूंगा। मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतना दान करने के लिए तैयार हो जाओगे। हरीलाल और जोगिया चाचा वहाँ से चले गए। मुखिया जाने की सोच ही रहा था कि तभी कस्बे का एक आदमी सीताराम मुखिया के पास आकर बोला। क्या हाल चाल है मुखिया जी? मेरे हाल चाल तो ठीक है सीताराम, लेकिन तुम इतने जल्दी में कहाँ से आ रहे हो? अब क्या बताओ, मेरी बीवी के पैर के इलाज में मेरे काफी रुपए खर्च हो गए हैं। उसके बाद भी उसका पैर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसके पैर का ऑपरेशन बताया हुआ है। मैं इसी सिलसिले में हरी लाल के पास जा रहा था। इस गांव में सिर्फ हरी लाल ही तो है जो आंखें बंद करके दान करते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम हरी लाल के पास नहीं बल्कि उसके पड़ोसी सुरेश के पास चले जाओ। दिखने में वो एक अच्छा आदमी नजर आता है, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। लेकिन आप मुझे हरी लाल के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? रोक नहीं रहा हूँ सीताराम, बात असल में ये है कि हरी लाल ने जुगिया चाचा की बेटी की शादी में 5 लाख रुपयों का दान देने का ऐलान किया है। अब उस बेचारे पर इतना बोझ भी मत डालो यार। आप ये बात सही कह रहे हैं। इतना कहकर सीताराम सुरेश के घर पर चला गया। सुरेश अपनी बीवी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था। सीताराम जी, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक तो है?
आपके चेहरे पर ये फिकर कैसी झलक रही है? अब तुम्हें क्या बताऊं सुरेश, वैसे तो मैं मदद मांगने के लिए हरिलाल के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुखिया जी ने बताया कि हरिलाल वैसे भी जुगिया चाचा को 5 लाख रुपयों का दान करने का ऐलान कर चुका है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है बताइए। तुम तो जानते हो कि मेरी बीवी के पैर के इलाज में कितने पैसे खर्च हो चुके हैं। मैं सड़क पर आ चुका हूँ, डॉक्टर ने मेरी बीवी के पैरों का ऑपरेशन बताया है, उसके लिए मुझे 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। सीताराम की बात सुनकर सुरेश सोच में पड़ गया। वो अपनी बीवी की ओर देखने लगा। आपसे जो पन पड़े आप उतनी मदद कर दीजिए, जरूरी नहीं कि आप हरिलाल की तरह धन दान दे सके। सुरेश ने 1,000 रुपए निकाल कर सीताराम को पकड़ा दिए। माफ करिएगा सीताराम जी, मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। सिर्फ 1,000 रुपए? सीता जी, मैं हरिलाल की तरह पैसों वाला आदमी नहीं हूँ। ये सच है कि मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी अपना खानदान चलाना होता है। मेरी बेटी भी स्कूल में पढ़ती है, मुझे उसकी स्कूल की फीस जमा करानी होती है, और फिर इंसान के जिंदगी में उसके बहुत से निजी खर्च भी होते हैं। इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सीताराम मुंह लटकाकर वहां से चला गया। रास्ते में उसे कस्बे का मुखिया मिल गया। अरे क्या बात है सीताराम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आपके कहने पर मैं सुरेश के पास गया तो था। मुझे आपकी तरह लगा था कि सुरेश मेरी बहुत मदद कर देगा, लेकिन उसने मुझे सिर्फ 1,000 रुपए पकड़ा दिए। मुझे तो इस सुरेश पर दया आती है। एक इसका पड़ोसी धारीलाल है, जो पैसे देने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता, और ये कंजूस मक्खी चूस सुरेश, ऐसे लोगों के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाते। तुम हरिलाल के पास चले जाओ, जहाँ वो 5 लाख रुपयों का दान दे सकता है, वहाँ वो तुम्हारी थोड़ी बहुत पैसों से मदद क्यों नहीं कर सकता। इधर सुरेश की बीवी सुरेश से बोली, कल शहर से कुछ अनाथालय वाले आए थे, बोल रहे थे कि हरिलाल ने अनाथालय वालों को 10 लाख का चेक दिया है। तुमने कितने रुपयों की पर्ची कटवाई? आप जो मुझे 500 देकर गए थे, मैंने उसी 500 की पर्ची कटवा दी। तो अनाथालय वालों ने क्या कहा? अजी क्या कहेंगे, अजीब सा मुंह बनाकर चले गए। मुंह पर तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन मुझे पूरा शक है कि पीठ पीछे जरूर बुरा भला बोल कर गए होंगे। आजकल के इंसानों को पता नहीं क्या हो गया है, इन्हें सोचना चाहिए कि कोई भी आदमी अपनी हैसियत से ज्यादा दान दे सकता है क्या। मैं मुश्किल से उतना ही कमा पाता हूँ जितने से मेरे घर का खर्च चल सके, उसमें से भी मैं कुछ पैसे दान कर देता हूँ। और रही बात हरिलाल की, तो उसके पास एक खेत नहीं बल्कि बहुत सारे खेत हैं। अगर वो रोज के हिसाब से ना 1,00,000 रुपए भी दान कर दे, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी हरिलाल जो भी दान करता है ना, वो दिखावे के लिए करता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मैं हरिलाल को काफी वक्त से जानता हूँ। दान करने का उसका मकसद सच्चे भाव से नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपने फायदे और प्रशंसा के लिए होता है। ऐसे दान का मालिक की नजर में कोई मोल नहीं होता। उसने सिर्फ गांव वालों की नजरों में अच्छाई का मुखौटा पहन रखा है, जबकि वो अंदर से अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। हरिलाल का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा, यहाँ तक कि उसके दान करने के चर्चे अखबारों में भी छपने लगे। लेकिन सच तो ये था कि हरिलाल जितना भी दान करता, वो सिर्फ दिखावे के लिए करता था, ताकि लोग उसकी प्रशंसा कर सके। और बेचारा सुरेश अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ी हुई रकम में से जितना हो सकता था उतना दान करता था, लेकिन फिर भी लोग सुरेश को बुरा भला बोलते और हरिलाल का गुणगान करते नहीं थकते। एक दिन हरिलाल अपने खेत में बैठा हुआ था कि तभी उसका नौकर बल्ली उसके पास आकर बोला, मान गए हरिलाल जी, आपका नाम तो दान देने में दूर दूर तक मशहूर हो गया है, और तो और आपकी दान देने की खबरें टीवी और अखबारों में भी चलने लगी है। मैं यही तो चाहता था बल्ली। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मूर्ख आदमी, तुम्हें क्या लगता है
मैं ये दान जो भी लोगों को देता हूँ क्या दिल से देता हूँ? अरे मेरा बस चले तो इन भिखारियों को एक फूटी कोड़ी भी ना दूं, लेकिन दान देना मेरी मजबूरी है और मैंने अपने इस मजबूरी को अपना फायदा बना लिया है। मैं एक पक्का कारोबारी हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? मुझे तो आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मूर्ख बल्ली, मुझे अपने खेतों से साल भर में इतनी आमदनी होती है जितनी शहर में बिजनेस करने वाले बड़े बड़े टाइकून को भी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद आज तक मेरे दरवाजे पर कभी भी इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ी, जबकि मैंने आज तक सरकार को टैक्स कभी भरा ही नहीं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बेवकूफ आदमी, मैं अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा गरीबों में दान कर देता हूँ और अखबारों और टीवी में भी मैं इन्हें कुछ पैसे देकर अपना एडवर्टाइजमेंट भी करवाता हूँ, ताकि मेरी इमेज लोगों के सामने अच्छी बनी रहे और मेरे घर पर कभी भी इनकम टैक्स की रेड ना पड़े। सेठ जी, अगर कभी भविष्य में आपके यहाँ पर इनकम टैक्स की रेट पड़ गई तब आप क्या करेंगे? कभी नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ भी गई तो ये गांव वाले इनकम टैक्स वालों का मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। बल्ली ने अपने सेठ का ये रूप पहली बार देखा था। वो चाह कर भी अपने सेठ से कुछ नहीं कह पाया, लेकिन अब उसकी नजर में हरी लाल की छवि पहले जैसी नहीं रह गई थी। बल्ली की नजर में हरी लाल अब एक कपटी आदमी था। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया और एक दिन अचानक हरी लाल की बेटी रुक्मणी की तबीयत बेहद खराब हो गई। हरी लाल अपनी बेटी को अपने कस्बे के उसी अस्पताल में ले गया जिस अस्पताल को बनवाने में उसने बेहद दान दिया था, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। डॉक्टर, मेरी बेटी को ठीक कर दो, ये अचानक खड़े खड़े बेहोश हो गई। फिक्र मत कीजिए हरिलाल जी, आपके एहसान को इस गांव में कौन नहीं जानता। आज ये हॉस्पिटल आप ही की वजह से बनकर तैयार हुआ है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर डॉक्टर रुक्मणी के कुछ टेस्ट करने लगा। टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर बेहद गंभीरता झलकने लगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? हरिलाल जी, आपकी बेटी को इन्फेक्शन हो गया है। वो इन्फेक्शन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसे ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप सारे लोगों से अलग है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, आप किसी भी तरह से मेरी बेटी के ब्लड ग्रुप का ब्लड मंगवाइए। हरिलाल जी, आपकी बेटी का जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड शहर में कहीं नहीं है। मैंने हर जगह फोन लगाकर देख लिया है और गांव के सारे लोगों की ब्लड ग्रुप मेरी फाइल पर चढ़े हुए हैं, मगर गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका ब्लड मैं आपके बेटी को चढ़ा सकूं। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा निकाल कर मेरी बेटी को चढ़ा दीजिए। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। गांव में एक आदमी ऐसा है जो कभी आज तक बीमार नहीं हुआ और ना ही कभी हॉस्पिटल में आया है। उस आदमी का ब्लड ग्रुप तुम्हारी बेटी से मैच हो सकता है। मुझे बताइए कौन है वो आदमी? सुरेश। हरिलाल दौड़ता हुआ सुरेश के पास चला गया। हरिलाल को परेशान होता हुआ देखकर सुरेश हरिलाल से बोला, क्या हुआ हरिलाल जी, आप इतने घबराए हुए क्यों है? हरिलाल रोता हुआ सुरेश को सारा मसला बताने लगा। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ हरिलाल जी। मैं ये भी जानता हूँ कि आप जो भी दान गांव वालों को देते हैं वो किस नियत से दिया करते हैं, लेकिन आप घबराइए मत, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप आपकी बेटी से मैच हो जाता है तो मैं अपनी जिस्म के खून की एक एक बूंद आपकी बेटी के लिए दान कर दूंगा। इतना कहकर सुरेश हरिलाल के साथ डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने जब सुरेश का ब्लड ग्रुप देखा तो डॉक्टर खुशी से हरिलाल की ओर देखता हुआ बोला, आपके लिए खुशी की बात यह है कि इनका ब्लड ग्रुप और आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप एक ही है, लेकिन हम दो बोतल से ज्यादा खून नहीं निकाल सकते, जबकि आपकी बेटी को तीन बोतल की जरूरत है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी बदन से तीन बोतल खून निकाल लीजिए। मुझे यकीन है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी और मौत मालिक के हाथों में है, और मैं जो भी दान करता हूँ अपने सच्चे मन से करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। सुरेश के कहने पर डॉक्टर तैयार हो गया। कुछ घंटे बाद
हरिलाल की बेटी ठीक होकर खड़ी हो गई और सुरेश को भी कुछ नहीं हुआ, वो भी हेल्दी ही नजर आ रहा था। आज तुमने मुझे बता दिया सुरेश कि सच्चा दान किसे कहते हैं। मैं तो अपने फायदे और अपनी तारीफ के लिए लोगों को दान किया करता था, लेकिन आज जो तुमने दान किया है सच्चा दान उसे ही कहते हैं। आज मुझे यकीन हो गया है कि सच्चे मन से किया हुआ दान ही सबसे ज्यादा कीमती होता है। उस दिन के बाद हरिलाल सुधर गया और उसने सरकार को टैक्स देना भी शुरू कर दिया। और तो और उसने टैक्स के जितने पैसे भी आज तक बचाए थे वो सारे पैसे उसने सरकार को चुका दिए। और इन सब के बाद अब हरिलाल सिर्फ सच्चे मन से ही दान किया करता था।